अनंतनासित परमेश्वर भगवान की उत्तम अकिंचन धर्म की अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की अध्यात्म सरोवर के राजहंस अकिंचन धर्म की धारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की रत्नात्रय की त्रिवेणी परम पूजारी कदड़मती माता जी की आपका संग की जय। जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में आगम ग्रंथ हुआ करते हैं, आज हमारे बीच महावीर नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे महावीर तो विद्यासागर संत हुआ करते हैं, हमारे भी महावीर तो विद्यासागर संत हुआ करते हैं। बंधु, आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। यह उत्तम आकिंचन धर्म हमें क्या सिखाता है? खाली होना सिखाता है, भरना नहीं। बाहर और भीतर से एकदम खाली हो जाने का नाम यह आकिंचन धर्म है। परिग्रह का त्याग कर देने का नाम यह आकिंचन धर्म है, जो महादुख का कारण है। ऐसे परिग्रह का त्याग का दिन है आज। आप लोग पूजा में पढ़ते हैं ना, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह चिंता ये सब दुख के ही कारण है। न किंचित इति अकिंचन है, जहाँ कुछ भी अपना नहीं होता वहीं पर अकिंचन होता है। समय सार में लिखा है, अहमी को खल शुद्ध दंशन मयो सदारूमी नवियत मज किंचमी अन्नम परमाणु मित्तम पी। क्या कहते हैं संत साधक? अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। जब वो अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं तब विचार करते हैं, अहम एक कोखल शुद्ध, मैं एक अकेली शुद्ध आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन स्वभावी स्वरूपी मेरी आत्मा है और इस दुनिया का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे संत साधक अपने ध्यान में चिंतन करते हैं, जहाँ सारी इच्छाएं विसर्जित हो जाती है वहीं पर उत्तम आकिंचन धर्म आता है। यह एक ऐसा भारी पदार्थ है जो हर किसी के पास नहीं होता। भारी होते हुए एकदम हल्का है। भारी और हल्का दोनों बातें कैसे हो सकती है? होती है बंधु। भारी का मतलब यह है कि हर कोई इस अकिंचन धर्म को धारण नहीं कर सकता, सिर्फ संत साधक उत्कृष्ट संयमी ही इस अकिंचन धर्म का पालन कर सकते हैं। इसलिए अकिंचन धर्म बहुत भारी है इसका पड़ना। लेकिन अकिंचन धर्म खुद कहता है कि ना किंचन थी अकिंचन, जहाँ कुछ भी नहीं होता, परमाणु मात्र भी हमारा नहीं होता, वहाँ पर हम एकदम खाली होते हैं। आज पहली वैभव बाहरी वैभव दूर करके हम अपने आत्म वैभव को चलने का प्रयास करेंगे। किसी ने कहा है, अपने भीतर डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, अपने भीतर डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, मेरा न बन लेकिन अपना तो बन। अपने बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आप पंक्तियों से समझेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहकर अकेले ही जीते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि अकेले ही व्यक्ति दुनिया में आता है और अकेले ही जाता है। ये अकेले रहकर अपने आत्म स्वरूप में लीन रहकर अकेले ही जीते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ इस दुनिया में माने जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में रहकर भी अकेले जीते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, ये चार पंक्ति है। जो भीड़ में रहकर भी अकेले जीते हैं, ये ऐसे होते हैं जो भीड़ में तो रहते हैं
लेकिन भीड़ में रहकर भी अकेले रहना सीखते हैं, अकेले रह सकते हैं वो भी अपने जीवन में संयम का पालन करते हुए अपने आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं, और जो अकेले रहकर भी भीड़ में जीते हैं ये भी अकेले अनुभव करते हुए अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए ये कहीं भी रह सकते हैं। तो जहाँ भीड़ हो वहाँ भी रह करके अपनी आत्मा का चिंतन करके अपने आत्मस्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन चौथे नंबर के वे व्यक्ति होते हैं जो भीड़ में रहकर भीड़ में जीते हैं, इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, ये तो भीड़ जैसे करती है भीड़ में रहते हैं, वो भी भीड़ में जैसे भीड़ करती है वैसे ही ये भी करते हैं, इनके जीवन का कोई लक्ष्य बिंदु नहीं होती, अपना जीवन निस्सार जीते हैं। तो अकेले सभी लोग व्यवहार में से तो सभी लोग साथ में रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में अकेले रहता है। आप लोग पूजन करते हैं ना, सब मिलकर के पूजन करते हैं, अभी भी चालू है पूजन, सभी लोग पूजन करते हैं लेकिन हर व्यक्ति अकेले ही पूजन करता है, अकेले ही उसकी द्रव्य होती है, अकेले ही उसकी थाली होती है और वो अकेले ही पूजन करता है, लेकिन सबके साथ बैठ कर के तो करता है। इसी प्रकार से कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग क्या सभी लोग जैसे जुलूस निकलता है और आप लोग जैसे साथ में बैठे हैं, सभी लोग चलते हैं यात्रा को जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सब लोग साथ में जाते हैं, साथ में जाते हुए भी सभी अपने पैरों से अकेले अकेले ही तो चलते हैं कि नहीं, सभी अकेले अकेले ही चलते हैं भीड़ में रहकर भी। आचार्य श्री ने बहुत सुंदर कहा है कि सब में मिलकर सबके होकर सब में रहकर अपने में तुम जीना सीखो। ये बहुत सुंदर सूत्र है आचार्य श्री का, क्या एक बार फिर से सुनेंगे, सब में रहकर सबसे मिलकर सबके होकर अपने में तुम रहना सीखो। बहुत सुंदर सीखती है आचार्य श्री की, ऐसे रहने का प्रयास करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो माता जी वही कर रहे हैं 10 दिन तक, तो हम चलते हैं उस ओर जिस ओर सभी सारी दुनिया जा रही है। तो दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की ओर तो झुकेंगे, माता जी ऐसे ही होता है। कंजूस व्यक्ति जो होता है वो कैसे होता है, कंजूस व्यक्ति का गड़ा हुआ धन धरती से कब बाहर निकलता है, जब वो खुद धरती में गड़ जाता है। अरे समझ में, कंजूस व्यक्ति का गड़ा हुआ धन धरती से बाहर कब निकलता है, जब वो खुद धरती में गड़ जाता है। परिग्रह का संग्रह हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो बहुत कंजूस था, बहुत अति कंजूस था, धन बहुत था, बहुत धन था। सभी गांव के लोग सोचते हैं इसका धन इतना है, लेकिन इसका धन का उपयोग करने वाला कोई भी नहीं है, नहीं धर्म करता है न किसी की हेल्प करता है। कंजूस व्यक्ति तो किसको किसी का कुछ नहीं कर सकता, ना भला, अपना ही भला नहीं करता वो तो। इतना धन होने के बाद भी कई लोगों को अपनी अपनी पीढ़ियों की, सात पीढ़ियों की चिंता होती है, आठ पीढ़ियों की चिंता होती है। इतना धन है कि हमारी 7 पीढ़ी खा सकती है, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए धन कमाने की चिंता में लगा रहता है। ऐसा लोभी, ऐसा कंजूस इस संसार का प्राणी होता है। तो एक उस कुछ दिनों के बाद उनके गांव में एक मुनि महाराज जी आते हैं, तो सभी लोग ने इशारा कर दिया महाराज जी को कि महाराज जी इसके पास बहुत धन है, लेकिन इसका उपयोग ये कुछ में भी नहीं करता, किसी भी चीज़ में नहीं करता, ना तो खाता है ना तो दान देता है, बल्कि इसका धन पता नहीं कहाँ जाएगा। तो सभी जानते हैं एक तो सबसे उत्तम है दान देता है, देना सबसे उत्तम है, और दान नहीं देता है तो अपने जीवन में उसका भोग कर लेता है, ये भी ठीक है, लेकिन ना खाता है ना देता है उसका धन, सभी कोई जानते हैं सर्वनाश को प्राप्त होता है। तो वो व्यक्ति महाराज जी के पास सभी दर्शन करने आए, तो व्यक्ति भी आया और दर्शन करके ढोक दे करके जाने लगा। तो महाराज जी को सब पता थी कि ये व्यक्ति वो है, तो महाराज जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। उनको महाराज जी बुलाते हैं,
और कहते हैं कि एक काम करना, तुम मैं मर जाऊंगा तो मेरी ये छोटी सी सुई है तो मुझे ऊपर दे देना। तो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा जब, अभी से तुम रख लो और तुम अपने साथ लेके जाना, तुम भी तो मरोगे ना, एक दिन तो सबको मरना है, तो तुम मरोगे तो अपने साथ लेके जाना और मुझे ऊपर दे देना। तो वो कहता है महाराज जी आप कैसी बातें करते हो, क्या कोई भी लेकर के जाता है इस दुनिया से, कोई भी चीज़ खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है। तब महाराज कहते अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात समझ में आई तुमको, फिर तुम इतना सारा धन तुम्हारे पास जो है उसका तुम क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, न खाते हो न किसी को देते हो, ना इसका उपयोग करने वाला भी कोई है तुम्हारे पास, फिर ऐसा करो इतना सारा धन है उसको धर्म में लगा दो तो तुम्हारे साथ भावों में साथ में जाएगा, तुम्हारे जो हम देते हैं दान करते हैं वो समझो बैंक बैलेंस है। कल उत्तम त्याग धर्म का दिन था ना, उत्तम त्याग धर्म का दिन था, पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने कहा था कि आज दान के दिन किन किन ने दिया उनके पास खबर पहुंचने वाली है। तो एक कमरे का दान की राशि किन किन ने दिया, हाथ उठाना जरा हम देखें, कमरे की राशि जो धर्मशाला बननी है किसी ने नहीं दिया, केवल एक उन्हें तो तुरंत भाव बने थे। कहते हैं ना जैसा घर होता है, क्या बोलते उसको, जैसे घर के बड़े लोग होते हैं उसका प्रभाव उन बच्चों पर भी पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इनके ऊपर। कोई ख्याति कोई पूजा की कोई चाह नहीं है जिसके अंदर, उन्हें तुरंत जैसे ही सुना और आकर के स्टेज पे कहते माता जी एक कमरे का नाम, जबकि उनका कोई करने वाला नहीं है, वो खुद स्वयं मेहनत करते हैं स्वयं परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी वो अकेले होते हुए इतने दम के साथ वो आ गए। उनकी माता रानी एक बार कह रही थी माता जी मनीष तो कहता है अब मैं नहीं दे सकता मम्मी, अब तुम मत बोली लगाया करो, मत लिया करो बोली। वो मम्मी बता रहे थे एक दिन भाई बेटा मेरे से ऐसा कह रहा था, लेकिन ये खुद हो करके, आज उनकी मम्मी यहाँ उपस्थित नहीं है, ये खुद हो करके अपने आप स्टेज पे आकर के उन्होंने नाम लिखाया। ये बहुत प्रशंसनीय है कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अभी कितना देते जा रहे हैं, जब से हम सुन रहे हैं जब से हम आए दो माह से लगातार, कभी मम्मी लिखा देती कभी ये कर देते हैं, अभी भी गिफ्ट के लिए भी दिए हैं इन लोगों ने इस प्रकार से। अब आप हाँ, क्योंकि कल त्याग का धर्म हो चुका, ऐसा नहीं आज भी त्याग का ही दिन है, आज भी छोड़ने का ही दिन है। उत्तम किंचन घर में बंधु नेहा नगर की तो हमने बहुत सुनी थी जब हम परसोरिया में रहते थे जब इतनी सुनी थी, यहाँ के लोग तो बहुत दानवीर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा इनका प्रभाव है, खूब देते हैं और देते हुए भी सुना है। लेकिन इस बार क्या बात है, एक कमरे के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है, इतने पैसे तो आपके यूं ही चले जाएंगे, धन रखोगे तो उसकी सुरक्षा की चिंता रहेगी। इस प्रकार से आपको हाथ दो दो मिलकर के कर लो, चलो कोई भी दो अपने दोस्त बना लो और एक कमरे की कम से कम पांच लोग आज बोलेंगे, एक कमरे की दो तीन मिलकर के आपस में दोस्ती बना लो और दो दो तीन तीन लोग मिलकर के भी, दो भी मिलकर के तीन भी मिलकर के कमरे के निर्माण के लिए, क्योंकि आपके यहाँ हम लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं है, हम तो मंदिर में रहते हैं। इतनी बड़ी नेहा नगर की इतनी पहुँच है, इतनी पूछ है, इतने सारे लोग, इतना ख्याति इनके यहाँ के नेहा नगर के लोग की, लेकिन यहाँ धर्मशाला नहीं है, हम तो मंदिर में रहते हैं। धर्मशाला के लिए साधुओं के निर्माण के लिए ये बात चल रही है, इसके बाद भी आप लोग चुप बैठे हैं। इतने यहाँ पे सब लोग के पास इतनी सक्षमता है, इतने सक्षम है कि एक एक घर के परिवार के लोग भी एक कमरे के लिए अपनी राशि देने में पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इतनी सक्षम है, इतनी शक्ति है। दो दो मिला करके भी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आपकी अपनी ठीक है, विचार कर लेना आप जी, आज भी आपके किंचन धर्म का दिन है, आपस में विचार करके उपकोषाध्यक्ष उनको लिखवा देना नाम। कल तो आप लोगों के बहुत नाम आए हैं, लेकिन छोटी छोटी राशियों के नाम आए हैं, बड़ी राशियों के नाम नहीं आए।
माता जी 31,000 से यदि ऊपर कोई नाम दे रहा है तो उसका सिलापट्ट भी लगा जाएगा, उस कमरे के ऊपर है उसका नाम भी दर्ज रहेगा ताकि याद रहेगी कि फलाने के द्वारा ये बनाया गया है। यदि 31,000 से यदि अधिक की राशि यदि दे रहा हो उसका नाम सिलापट्ट में उसके कमरे के बाहर लिखा जाएगा। तो आप लोग अपना मन अवश्य बनाए, 31,000 से अधिक ऊपर की राशि भी देता है क्या? हाँ 31,000 से ऊपर की राशि, 31,000 से। आप लोग ने सबने सुन लिया, अब उस थोड़ा सोच विचार के आज अब उपवास है ना, अभी तो उपवास ही समझे तक एक आसन नहीं हुआ तभी मन अवश्य बनाया। हाँ तो फिर कोई जब उनकी एक आसन हो जाएगा ना, जब थोड़ा चलेगा दिमाग और फिर वो नाम लिखवाएंगे आपके पास, नाम आएंगे आज बहुत सारे आने वाले, कल 50 आ गए तो ज़्यादा ही आ गए, छोटी छोटी राशि अब उससे थोड़ी बड़ी की आने वाली। तो अपन विषय के ऊपर अपने चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसी बातें करते हो महाराज जी, आपके कोई भी चीज़ में क्या लेकर के जा सकता हूँ? तो कहते महाराज जी जब लेकर के नहीं जा सकता तो दान कर दो। उस दिन उन्होंने उत्तम त्याग धर्म का दिन था, उन्होंने अपने संपूर्ण राशि का उन्होंने मुनि महाराज जी के सामने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। महाराज जी आप जैसा चाहो, आप उचित चाहोगे, मैं मालूम है आप मेरे धन संपत्ति का जितना भी बैंक बैलेंस है जितना भी है वो सब आप धर्म में लगा दीजिए। कितना बड़ा दिल, सोचो इतना कंजूस होते हुए भी उसको बात समझ में आ जाती है। तब उसने अपने धन का त्याग कर दिया और उत्तम अकिंचन्य धर्म उसके जीवन में आ गया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अपने रोज के लिए रख लिया और अपने जीवन जीविका चलाने के लिए बस रख लिया और उसमें कुछ भी नहीं रखा। तो कहते हैं ना उत्तम आकिंचन धर्म कैसा है, आप लोग पूजा में पढ़ते हैं, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन ने साले, चाह लंगोटी की दुख माले। आप देखेंगे कि लंगोटी की चाह कहाँ पहुंच जाती है व्यक्ति को। एक महाराज जी थे, बहुत सीधे महाराज जी थे, बहुत अच्छे महाराज जी थे, जो कोई कहता था उसकी बात वो मान लेते थे। इतने सीधे भी नहीं होना चाहिए कि हर किसी की बात मान ले, लेकिन वो बहुत ही अति सीधे थे, महाव्रती थे, मुनि महाराज जी थे। एक गांव में उनका चातुर्मास हो रहा था और चातुर्मास हो रहा था तो वहाँ उतने दिनों में तो चातुर्मास के बीच एक माह 15 दिन 1 माह निकल जाते हैं। जब वहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु बन गए थे, उनके भक्तगण बन गए थे बहुत सारे लोग, और उनके पास आते हैं सब मिलकर के गांव के कौन कुछ अदर कास्ट के लोग, और महाराज जी से कहते हैं महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, आपकी साधना भी अच्छी है, लेकिन बस हमारी एक बात मान लो। महाराज जी कहते क्या? आप कहते हैं हमारे गांव में बहू बेटियां रहती हैं, थोड़ा ऐसा करो आप कि थोड़ी एक लंगोट लगा लो आप तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियाँ निकलती है फिर आप भी उधर से रास्ते से निकलते तो अच्छा नहीं दिखता, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है आपको। तो महाराज जी मान गए और एक अंगूठी लंगोटी ले ली। अब दूसरे दिन हार का समय आया तो श्रावकों ने दूसरी लंगोटी लाकर दे दी 16 में। अब उनके पास 2 लंगोटी हो गई, अब रोज हार करते और चेंज कर लेते थे। हुआ क्या, एक दिन उनकी लंगोट चूहे ने कुतर दी, चूहे ने कुतर दी उनकी लंगोट। तब तो उन्होंने सोचा यहाँ तो बहुत चूहे हैं, अब क्या किया जाए, तो सोचते हैं चलो एक बिल्ली पाल लेता हूँ। उन्होंने महात्मा जी ने एक बिल्ली पाल ली, अब बिल्ली पाल ली तो उनकी लंगोट सुरक्षित हो गई, लेकिन कितनी बड़ी हिंसा का कर्म का बंध उन्होंने बांध लिया अपने जीवन में। और फिर बिल्ली क्या खाती है क्या पीती है सभी जानते हैं, बिल्ली दूध पीती है, तो दूध पीने के लिए वो कहाँ से लाए, तो एक गाय रख ली उन्होंने बिल्ली के दूध के लिए। अब गाय की सुरक्षा कौन करे,
गाय की सुरक्षा कौन करे? गाय की सुरक्षा के लिए उनको विवाह करना पड़ा। गाय का, गाय की देख देख कौन करेगी? दूसरे किसी को रख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया। और गाय की भी सुरक्षा होती रही और उनकी, उनका भी भोजन पानी बनता रहा, सब काम चलता रहा था व्यवस्थित। कौन है ये? महात्मा संत माने जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर उनकी गाय जो थी बाजू वाले के खेत में चली गई और उसकी सारी फसल खा ली। अब क्या होता है, सारी फसल खा ली तो जिसके जिसके खेत, जिसका खेत था, वो खेत वाले ने महात्मा जी के नाम से कोर्ट में रिपोर्ट करवा दी। जब पता चला वहां के बोलते कोर्ट की जो किसकी गाय थी, तो उन्होंने कहा एक हमारे बाजू में संत रहते हैं, एक महात्मा जी हैं, उनकी गाय है, उनकी गाय ने हमारी सारी फसल खा ली। अच्छा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। और पुलिस उनके साथ आ गई और उनकी झोपड़ी में आकर के घुसने लगी। तब महात्मा जी ने देखा ये पुलिस क्यों आ गई हमारे घर। ओहो ये पुलिस, मैं तो अकेला हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं है, फिर मेरे घर पुलिस क्यों आ गई? तब एकदम घबरा जाता है और डरता है। और फिर पुलिस वाले से कहता है आपको मेरे घर आने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों आ गए हमारे घर? तब पुलिस कहती है कोर्ट में आपका नाम रिपोर्ट हुआ है मेरे पास, तब मैं आया हूँ, ऐसे मैंने कौन सी गलती कर ली? तब वो पुलिस बताती है कि देखो आपकी गाय, आपकी गाय ने दूसरे के खेत की पूरी फसल खा ली है, इसलिए आपको सजा दी जाएगी, आपको जेल में बंद किया जाएगा। तब उनकी एकदम घबरा जाते हैं और विचार करके आप बंद करके सोचते हैं कि क्यों ऐसा कैसे हो गया। अपने आप की ओर, अपने अकिंचन धर्म की ओर जब वो जाते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं, जब विचार करते हैं तब उन्हें लगता है अपने स्वरूप में आ जाते हैं। क्योंकि देखो क्षमा और क्रोध दो चीज़ होती है, तो क्रोध तो हमारा स्वभाव नहीं होता, क्षमा केवल हमारा स्वभाव होता है, तो क्षमा हमेशा हमारे पास रहती है और क्रोध 2-5 मिनट के लिए आता है और चला जाता है, लेकिन क्षमा हमारी आत्मा से कभी नहीं जाती। हमारे अकिंचन धर्म को बताती है कि तुम कौन हो। तब उसे ख्याल आता है उस संत को कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती कर ली, मैंने क्या कर लिया, ओहो मैंने क्या कर लिया। अपनी आत्मा की ओर दृष्टि जाती है, तब आँख खोल करके वो एकदम जागृत हो जाते हैं अपने मुनि धर्म के रूप की ओर और कहते हैं कि सोचते हैं इस आज की पुलिस घर में प्रवेश करी, इसका मुख्य जड़ क्या है? केवल एक लंगोट है। तुरंत ही उस लंगोट को निकालते हैं, खोलते हैं और पुलिस वाले को पकड़ा देते हैं। कहते हैं ये लंगोट ही अपराधी है, मैं नहीं। क्या कहते हैं? ये लंगोट इसका अपराधी है, मैं अपराधी नहीं हूं, क्योंकि लंगोट के कारण ही सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं इस लंगोट को छोड़ता हूं और मैं अपने वन की ओर जाता हूं। मैं इतनी बड़ी गलती में, इतनी बड़ी भूल में था कि लंगोट के कारण मुझे आज कोर्ट दिखा दिया इस लंगोट ने, इस लंगोट ने मुझे कोर्ट का रास्ता बता दिया, इसलिए मैं इस लंगोट को आज से छोड़ता हूं। और लंगोट का त्याग करके वो जैसे थे वैसे निर्ग्रंथ साधु बन गए और वन में जाकर के अपने पापों का पश्चाताप करने लगे, प्रायश्चित करने लगे और अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। ये कौन से व्यक्ति हैं? ये वे व्यक्ति हैं जो अकेले रहकर अपना अकेला ही आत्म ध्यान करने वाले बन गए। ये सबसे श्रेष्ठ महान व्यक्ति होते हैं। देखो परिक्रमा एक ऐसी चीज होती है, आचार्य ने बहुत सुंदर कहा है। आचार्य हमेशा कहते हैं परिग्रह के बारे में, कहते हैं पेट भरो पेटी नहीं। वो क्या कहते हैं? पेट भरो पेटी नहीं, क्योंकि
आप लोग तो क्या करते हैं, पेटी भरने के चक्कर में पेट भी नहीं भर पाते, 24 घंटे पेटी के चक्कर में लगे रहते हैं, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती आपको, और आप अपनी पेटी के चक्कर में पेट भी नहीं भर पाते और कर्म करते रहते हैं और धर्म से अछूते हो जाते हैं। कहते हैं कि यदि कोई गृहस्थ है, उसके पास, उस गृहस्थ के पास यदि धन है तो उसका जीवन दो कौड़ी का नहीं है। यदि गृहस्थ के पास धन नहीं है, ध्यान से सुनना, यदि उस गृहस्थ के पास धन नहीं है तो उसका जीवन दो कौड़ी का भी नहीं है, और यदि साधु के पास धन है तो उसका भी जीवन दो कौड़ी का नहीं है। क्योंकि गृहस्थ को धन की जरूरत है तो उसके पास तो है नहीं, तो अपना जीवन, जीविका कैसे चलाएगा, उसका जीवन दो कौड़ी का भी नहीं है इसलिए। और साधु है, उसको धन की क्या जरूरत है, उसने तो सब कुछ छोड़ कर आया है, तो यदि वो धन रखता है तो उसके भी जीवन की, उसका भी जीवन दो कौड़ी का नहीं होता है। इस प्रकार से धन की कहाँ जरूरत होती है और कहाँ नहीं, इसका विचार कौन करे, धन वाले करते हैं, जिसको कहते हैं दौलत। दौलत क्या होती है, धन वाला जो होता है उसको दौलत कहते हैं, जिसके पास दौलत होती है उसको कहते हैं दौलत। आपके पास दौलत है कि नहीं है, सबके पास है मात्र ये दौलत तो, लेकिन हम दौलत वाले हो, दौलत वाले होते हुए भी क्या है, हम क्या है, निर्धनी है। क्यों निर्धनी है, माता जी हमारे पास तो खूब दौलत है, आप हमको निर्धनी क्यों कह रही हो, निर्धन नहीं हम, धन वाले हैं। नहीं बंधु, धन से कोई धनी नहीं होता, धर्म से धनी होता है। या आप ध्यान मान के चलना कि धर्म से धनी नहीं है, लेकिन जिसके पास धर्म है वो ही धनी है। धन वाले, दौलत वाले धनी नहीं माने जाएंगे। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं जिसके पास धन है वो कंजूस है। क्यों कंजूस है, क्योंकि वो धर्म के क्षेत्र में अपना समय नहीं देता, धन कमाने में सारा समय लगाता है। धन कमाने वाले, इसलिए आचार्य कहते हैं धन कमाने वाले धनी नहीं होते, जो धर्म कमाता है वो दौलत वाला होता है, वो धनी होता है। जीवन में सिर्फ तीन चीज की आवश्यकता होती है अपने लिए, कुछ भी करें हम, चाहे हम अपने जीवन का निर्वाह करें तो भी हमें तीन ही चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे हम अपने जीवन का निर्माण करें तो भी तीन ही चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे हम अपने जीवन का निर्माण करें तो भी हमें तीन ही चीज़ की ज़रूरत होती है। बंधुओं को कौन सी चीज़ हो सकती है, जब हम अपने जीवन का निर्वाह करने की ओर बढ़ते हैं तो हमें सिर्फ निर्वाह यानी जीवन चलाना, अपनी ज़िंदगी को जीना, तो जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों की जरूरत होती है। सामान्य हर कोई इंसान जीता है तो उनको खाने को चाहिए, रहने को चाहिए और पहनने को चाहिए, बस तीन चीज़ ही चाहिए। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो दुनिया में, अब गरीब से गरीब व्यक्ति होगा तो भी उसे भी तीन चीज़ की जरूरत होगी, और अमीर से अमीर भी होगा तो उसे भी तीन चीज़ की जरूरत होगी, क्योंकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, अपनी जीविका जीवन जीने की जीविका चला रहा है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो अपने जीवन का निर्माण करना चाहता है, निर्माण और निर्वाह। और तीसरी चीज़ होती है निर्वाण, तो निर्माण करने के लिए भी तीन ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो कौन सी चीज़ है, जर जोरू और जमीन। सभी जानते हैं धन दौलत पत्नी और जमीन, ये तीन ही चीज़ वो जरूरत होती है, अपना उसका उसका जीवन बनता है, वो एक सच्चा और सही इंसान बना पाता है अपने आप को, क्योंकि उसके जीवन का वो निर्माण कर रहा है, अपने जीवन को व्यवस्थित और समीचीन कुछ करके जीवन में अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, तो भी उसको वो व्यक्ति एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पारिवारिक परिवार उसका बन सकता है। ये होता है जीवन का निर्माण। और तीसरी चीज़ होती है जीवन का निर्वाह। निर्वाह है नहीं, निर्वाण।
तो इसके लिए भी तीन ही चीजें होती है, सच्चे दिल सास गुरु का सानिध्य कि हमें निर्वाण के पथ पर अग्रसर करके हमें जीवन को पतित से पावन बनाता है, और हमारा जीवन पतित से पावन बनकर एक दिन उस निर्वाण अवस्था को, मुक्ति अवस्था को, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करा देता है। एक बार एक महाराज जी आए किसी शहर में, किसी नगर में, उन्होंने चातुर्मास्या धर्म को उपदेश दिया और देते थे। सभी लोग श्रावक प्रतिदिन आकर के धर्म का लाभ उठाते रहते थे। इसी बीच एक व्यापारी उनके दर्शन को आया, तो महाराज जी उस समय संयम धर्म का दिन था, तो संयम की बातें बता रहे थे, संयम के बारे में सबको उपदेश दे रहे थे और कुछ कुछ संयम के बारे में उनको नियम दे रहे थे कि देखो अपने जीवन को संयमित बनाना चाहिए। संयमित जीवन, व्यक्ति का संयमित जीवन होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को पापों से, पतन से बचा लेता है। जैसे बिना संयम के संतुलन जिसको कहते हैं, यदि गाड़ी चल रही है, कार हो, टू व्हीलर, कोई भी चीज़ हो, यदि वो सवारी है तो यदि उसमें ब्रेक नहीं होता है तो ब्रेक के अभाव में दुर्घटना घट जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। इस प्रकार से संयम की बात बता रहे थे। तब वो जो व्यापारी था वो पास में आया और कहा, नमस्ते महाराज जी, मुझे भी कोई नियम दे दीजिए। तब उस व्यापारी से कहते, तुम करते क्या हो? तब उसने कहा कि मैं तो एरोप्लेन से जाता हूँ और सामान लेकर के आता हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ, इस प्रकार से मेरा अपना व्यापार चलता है। तब महाराज जी ने कहा कि तुम व्यापारी हो तो एक काम करो, तुम अपने सामान के साथ एक खाली टीन का डिब्बा रख लेना। क्या कहा? एक खाली टीन का डिब्बा रख लेना। तो कहता है ठीक है। उसने गुरु की आज्ञा मान ली। जो गुरु की आज्ञा मानता है वो गुरु उनके पास होते हैं सदैव, लेकिन जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, आदेश का पालन नहीं करता है, वो पता है आप लोगों को उसकी क्या स्थिति होती है। तो पहले जो गुरु आपकी मान रहे हैं उसकी बात सुन ले, हम फिर गुरु की बात बताएंगे। तो गुरु की आज्ञा मान लिया उसने, शिरोधार्य कर लिया, जबकि वो खाली टंकी की बजाय यदि एक उसमें तेल भर के ले आता तो उसकी 17-18 किलो के तेल की बिक्री हो जाती, उसको उतनी संपत्ति मिल जाती। लेकिन उसने अकिंचन्य धर्म का पालन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और अकिंचन्य होने के साथ साथ उसने उस खाली डिब्बे को रखने का एक संकल्प कर लिया। इतना अकिंचन्य कर लिया उसने, इतना अपने अंदर से मोह को छोड़ दिया और उसने एक खाली टीन का डिब्बा रखने लगा अपने साथ। आप देखेंगे गुरु की आज्ञा का कितना, आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति कैसे अपने मौत के मुख से बच जाता है। होता क्या है, एक दिन उसका जब यान चल रहा था, आ रहा था वो लेकर के सामान, तब बहुत तूफानी हवा चलने लगी और उसका यान डगमग डगमग डोलने लगा, इतना डोलने लगा, इतना कि उसके बस प्राणों की भी वो थी, और सामने नीचे समुद्र था और यान डूबने ही वाला था बिल्कुल। तो उसके दिमाग में एक बात आती है, गुरु याद आते हैं और गुरु ने कहा था कि खाली डिब्बा रख लेना। तब उसको तुरंत अपना उस डिब्बे को उठाता है, खाली डिब्बे को लेकर के उस समुद्र में कूद पड़ता है। वो समुद्र में कूदा कि उस डिब्बे के सहारे तैरते तैरते पार हो गया, और उसके तुरंत दूसरे ही मिनट में उस जहाज उस समुद्र में डूब गया और सारा सब लोग चले गए, सब समाप्त हो गया। यदि वो टीन का डिब्बा नहीं होता तो उसका जीवन पता नहीं कहाँ जाता है। गुरु की आज्ञा बहुत सिरोधारी करके पालना चाहिए। गुरु के नाम का स्मरण ही हमें मृत्यु से बचा देता है। एक बार एक व्यक्ति अपने जिंदगी से बहुत घबरा गया था। वो इतना घबरा गया था कि अब जीना नहीं चाहता था वो, और मरने के लिए बस तैयार हो गया।
और वो एकदम पूर्ण दृढ़ता पूर्वक वो मरने के लिए कहाँ पहुंच गया, उसे पता था एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के पीछे एक खाई थी, बहुत भयंकर वाली खाई, उसमें कूदने के लिए दौड़ता दौड़ता जाने लगा। जाते जाते उस पहाड़ी पर पहुंच गया और वो दूर थोड़े दूर से ताकत लगाते हैं ना कहीं कूदने के लिए जाते हैं तब, तो बहुत थोड़ी दूर से पीछे से वो ताकत लगा करके छलांग मारने के लिए हुआ। उसने बोला एक दो तीन, बोला कि उसका पैर एक यहाँ एक वहाँ, उतने में क्या होता है कि उसका जो हाथ था एक सीधा वाला हाथ उसके गले में फंस गया, गले में फंस गया, उसके हाथ में देखो कि क्या फंस गया, उसी में फंस गया, वो भी हाथ फंसा तो उसका मन भी उसको देखने के लिए फंस गया। क्या था उसके गले में? ताबीज थी। उस ताबीज को ऐसे खींच करके देखता ये क्या है, उस ताबीज में संत शिरोमणि आचार्य गुरु रुद्रेश्वर महाराज की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर उसका मन बदल गया। ओहो, इन्हीं गुरु ने तो मुझे कहा था कभी आत्महत्या मत करना, बात याद आ गई और उसने आत्महत्या करने से अपने पैर पीछे की ओर मोड़ दिया, पीछे लौट गया। तो गुरु के नाम का स्मरण क्या उनकी फोटो तक हमें जीवन से बचा लेती है। एक बार याद आ रही मुझे बात, आचार्य जी के पैर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था, बहुत तेजी से, चाहे उनका मोच आ गया होगा, कुछ चलते नहीं बन रहा था, सूजन आ गई थी पैर में बहुत तेजी से। आचार्य जी को बहुत दिन हो गए थे दर्द होते होते, 10-15 दिन हो गया। फिर सभी लोगों ने पता किया इसको मोच को कौन ठीक कर सकता है। इस प्रकार से पता करते करते मालूम चला कि एक व्यक्ति है, वो बस छूता है और उसके छूने से बस पैर का सारा दर्द कुछ भी हो सब गायब हो जाता है। ऐसे महाराज जी, छोटे छोटे महाराज जी लोगों के पास ऐसी खबर पहुंची, तब उसकी खबर ली उसका पता किया कि वो कहाँ मिलेगा, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति तो नाम कोई नहीं जानता था उसका, लेकिन चेहरे से बस जानते थे वो व्यक्ति ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने और बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चल करके उस व्यक्ति को मिल गया उसका पता, और उस व्यक्ति को बुलाकर ले आया। जब वो महाराज जी के पास आए, छोटे छोटे महाराज जी के पास, तो महाराज जी ने सब लोगों ने बताया जो उनको लाया, कहते महाराज जी वो व्यक्ति यही है जो थोड़ा सा ऐसे टच करता है, बस हाथ लगाता है और उसका दर्द गायब हो जाता है। अच्छा, तब वो आचार्य जी के पास लेके गया उसको, तो उसने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी नमस्ते बोल दे। तब महाराज जी ने बताया, महाराज जी आप जो पैर आपका दर्द होता है ना, वो पैर थोड़ा आगे कर लीजिए। तो आचार्य मना करने लगे, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन एकदम गुरु तो गुरु होते हैं। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, पैर नहीं किया, लेकिन जो दूसरे महाराज जी थे उन लोगों ने थोड़े से पैर को आगे कर दिया, और आगे करने से वो जो व्यक्ति था वो आँख बंद करके अपने प्रभु अपने गुरु का स्मरण करके थोड़ा सा उनके ऐसे करके हाथ सहला दिया बस उस व्यक्ति ने, और फिर कहा आचार्य से, महात्मा जी आप चलिए, चल के देखिए थोड़ा। तो जादू हो गया जादू, 15 दिन से जिस चीज के लिए तकलीफ में थे आचार्य श्री, ऐसा जादू हो गया कि वो चलने लगे तो उनको लगा कुछ भी नहीं है पैर में, कुछ भी दर्द नहीं है। तब आचार्य श्री को भी आश्चर्य लगा कि ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा क्या कर दिया, आपका समय हो रहा है, हम बस 5 मिनट में पूर्ण करेंगे, ये क्या कर दिया इसने। तब आचार्य श्री ने खुद पूछा उससे कि तुम्हें ऐसा कौन सा मंत्र कर दिया। मुस्कुरा करके आचार्य श्री ने कहा कि वो तो पता ही नहीं, कुछ गायब भी हो गया दर्द, पता ही नहीं कहाँ चला गया। गुरु मंत्र के द्वारा ही गुरु का दर्द दूर हो गया। क्या? गुरु मंत्र के द्वारा ही गुरु का दर्द दूर हो गया, ये कोट पढ़ रहे। तो क्या गुरु मंत्र था? सब महाराज जी लोगों ने पूछा कि तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा, बता दो हमको। तो कहने लगा वो कि बस मेरे गुरु मेरे हृदय में है, बस मैं उनका ध्यान कर लेता हूँ,
वहाँ हाथ रख के मैं ध्यान कर लेता हूँ अपने गुरु का, तो जहाँ भी इस हाथ को फिर रखता हूँ तो वो वहाँ का दर्द, हर कोई इंसान हो उसका दर्द गायब हो जाता है। तब उन्होंने कहा, कहाँ है गुरु तुम्हारे, कौन से बताना। तो कहते मेरे तो ये शर्ट के अंदर मेरी छाती पे लिखा है उनका नाम। तो कहते दिखाना मैं देख। महाराज जी लोग को भी आश्चर्य हुआ कौन से इनके गुरु हैं ऐसे कि। तो फिर उन्होंने कहा समय सागर महाराज जी लोगों ने कि कहा तुमने क्या भी अपने गुरु के कभी दर्शन किए हैं। तब उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं और कहते नहीं मैंने अपने गुरु के कभी दर्शन नहीं किए, बहुत चाह है मुझे दिल से उनके दर्शन करने की, लेकिन क्या पता इस जीवन में मैं उनके गुरु के अपने दर्शन कर पाऊंगा कि नहीं। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अभी तक तुमने गुरु के अपने दर्शन नहीं किए तो लेकिन दिखाओ तो सही हमको। वो ब्रह्मचारी वगैरह थे उनकी शर्ट खोलने के लिए बोला और जब शर्ट खोल के देखा, ओहो संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। उनके छाती पे लिखा था आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज। तब उन्होंने कहा अच्छा ये नाम तो यही है तुम्हारे वो गुरु जिनको आपने ठीक किया, यही गुरु है। तब वो कहते बार बार चरणों में झुक झुक करके आंखों से आंसू धारा बहती है उनकी आंखों से और कहते हैं धन्य हो गया मेरा जीवन, ऐसे महान गुरु की तलाश थी मुझे और ऐसे गुरु आज मुझे मिल गए। ऐसे बोल करके चरणों में बार बार गिरता है, बार बार गिरता है और उसके आंसू से गुरु के चरणों का प्रक्षालन हो जाता है और उससे गंगोदक लेकर के वो अपने मस्तक में लगाता है, अपने जीवन को सफल बनाता है और कहते हैं आज मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई, जिस जिन गुरु के नाम से मैं दुनिया में विख्यात हुआ और मेरे मुझे अपने गुरु के नाम से लोगों ने मुझे जानने लगे और मुझे बुलाने लगे, धन्य ऐसे महान और मुझे बुलाने लगे, धन्य ऐसे महान गुरु, धन्य आज मेरी आंखें पवित्र हो गई, मेरा जीवन पवित्र हो गया, मेरा दिल खुश हो गया। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरु महाराज की, अच्छे से बोलो धर्म की, ऐसे उत्तम अकिंचन धर्म को पालने वाले महान गुरु की। कल सामूहिक रूप से आचार्य श्री की पूजन होगी, द्रव्य सत्य आएंगे और सही अच्छे से भक्तिभाव से पूजन करेंगे। चलिए और एक सूचना और है भैया, कल की जो शोभा यात्रा है अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम ठीक 2 बजे से शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और जल विहार का कार्यक्रम आपके यहाँ ये मंदिर जी यहाँ पंडाल में सफल होगा। भैया जी के सानिध्य में माता जी के आशीर्वाद से सारे कार्यक्रम सफल। जवाणी के ज्ञान ते सुजे लो कलो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोके। दीन भजो बरिहंत को गुर सेवा निर्ग्रंथे।